अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शमसुन जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 15, ये संसार हमारा है, जिसके शायर है मसूद अख्तर जमान। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 15, ये संसार हमारा है, जिसके शायर है मसूद अख्तर जमान। तो ये संसार हमारा, जैसे बच्चों हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारे शहर है, बहुत सारे ऐसे इलाके जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत है। पहली बात, एक किसान के तीन बैठे थे, तीनों के एक से बढ़कर एक काहिल, किसान ने मरते वक्त उन्हें बताया कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है, इसे निकाल कर तुम आपस में बांट लेना। अब यहाँ पे इस नज़म को शायर ने एक किस्से के तौर पर बयान किया, एक कहानी के तौर पर बयान किया कि ये संसार हमारा है, जैसे हिंदुस्तान मुल्क हमारा है, यहाँ पे तरह तरह के शहर है, यहाँ पे ऐसे तरह तरह के मनाजिर है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं कि शायर ने इसे कहानी के अंदाज में बयान किया है। पहली बात, एक किसान के तीन बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर एक काहिल, जैसे एक किसान था, उसके तीन बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर काहिल। किसान ने मरते वक्त अपने तीनों बेटे से कह दिया था कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है, अगर मैं मर जाऊँ तो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम आपस में इसे बांट लेना, मिल बांट के ले लेना। तीनों खुश हो गए। बाप के मरने के बाद तीनों ने खजाने की तलाश में खेत को खोदना शुरू कर दिया। अब तीनों बेटे बहुत उन्हें अपने बाप के खजाने की तलाश थी, तो तीनों ने अपने खेत की खुदवाई करना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला मगर कोई खजाना नहीं मिला। तीनों बड़े मायूस हुए। एक बूढ़े किसान ने मशवरा दिया कि तुमने खेत तो खोद ही डाला, बरसात सर पर है, उसमें ना दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। तीनों ने बेदिली से खेत में दाना डाला। चार महीने के बाद खेत में हरी हरी फसल लहलाने लगी। तीनों बहुत खुश हुए। तब उसी बूढ़े ने कहा, ना दानो, तुम्हारे बाप की वसीयत सच्ची थी, ये वो खजाना जो खेत में दफन था। इस तरह हर साल मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। शायर ने ये संसार हमारा नज़म में मेहनतकश मजदूरों किसानों के जोश और वलवले के खूबसूरत अंदाज में पेश किया। मेहनत का ही नतीजा है कि दुनिया इतनी हसीन नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे शायर ने इस नज़म को एक कहानी के तौर पर बयान किया कि एक किसान था जिसके तीन बेटे थे, और किसान ने अपने तीनों उसके बेटे कैसे थे, काहिल थे, मतलब काम चोर एकदम सुस्त थे, काम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन मरते दम तक उसने बाप ने अपने बेटे से कहा था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मैं इस दुनिया से चले जाऊँ तो मेरे खेत के नीचे मैंने खजाना दफन किया है, इसको खोद कर मिल बांट के ले लेना। कि बाप का इंतकाल हो गया तो तीनों बेटों ने मतलब खेतों में खोदना शुरू कर दिया कि उन्हें खजाना लेना था। तो तीनों ने खुदाई शुरू की, लेकिन तीनों बेटों को कुछ हाथ ना मिला। तो एक बूढ़े किसान ने उन तीनों बेटों को मशवरा किया, अगर बरसात का मौसम सर पर, अगर तुम इस खेत पर तुम बीज ना बोओगे, अगर अनाज नहीं बोगे तो तुम्हें तुम्हारे तैयार शुदा फसल तुम्हें कैसे हासिल मिलेगी, तुम्हें खाने को अनाज कैसे मिलेगा। तो तीनों ने उस बूढ़े किसान की बात मानी और बीज बोना शुरू कर दी। फिर उनकी मतलब 4 महीने बाद उन्हें तरोताज़ा उनकी फसलें तैयार हो गई। मतलब इस नज़म में शायर ये कहना चाहता है कि जो इंसान मेहनत और मशक्कत करेगा उसे मेहनत का फल अल्लाह ताला उसे ज़रूर देगा, और मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। जान पहचान, इस गीत के शायर हैं कासल नाम अब्दुल हमीद, अदब और अदबी नाम मसूद अख्तर जमाल था। उत्तर प्रदेश के शहर रुदौली में पैदा हुए। अभी यहाँ पे जो शायर है अब्दुल मसूद अख्तर जमाल मतलब हिंदुस्तान मुल्क के शायर है, वो उत्तर प्रदेश के शहर रुदौली में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो मुजाज जानसार अख्तर कैफी आजमी वगैरह के अहम असर थे। वो एक अदीब सहाफ़ी शायर थे, तरक्की पसंद खयालात के हामिल थे। उनके दो शायरी मजमू नूरस 1941 में और लाला शादाब 1979
1969 में शाया होकर मकबूल हुए। अभी यहाँ पे जो शायर है हिंदुस्तान में, उसे तो ताल्लुक रहते हैं, रुदौली में पैदा हुए, मतलब उन्होंने अपनी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम में, उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल की। वो अदीब थे, मतलब अच्छे अदीब थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, नूरस, लाला शादा, मतलब उनके जो रिसाले शाये किए जाते थे, तो नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियाँ उनके रिसाले, अफसानों रिसालों को बड़े शौक से पढ़ते थे। तो उनकी नज़म जो है बहुत ही अच्छी है, तो आइए हम उनकी नज़म की शुरुआत करते हैं। अमृत बादल बन के उड़े के उठे हैं, पर्वत से टकराए गए, खेतों की हरियाली बनकर छुप छप अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छाएंगे। मतलब जो एक किसान रहता है, शायद इस लाइन में क्या कहना चाहता है, इस किसान अपनी फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत मुशक्कत करता है। पहले वो खेतों की मरम्मत करता है, मतलब वो बोता है, किसान खेतों में बीज बोता है, तब उस पर मतलब खाद डालता है, पानी देता है, तब तरह तरह की उसकी देखभाल करता है, तब जाके हमारी एक फसल तैयार होती है। जर्रा जर्रा दुनिया का आज गगन का तारा है, ये धरती, जीवन सागर, ये संसार हमारा है। अगर किसान अगर खेतों में मेहनत ना करे, फसलों पे ध्यान ना दे, बीज ना बोए, और उसको बराबर से वक्त पे पानी ना दे, खाद ना दे, तो हमें हमारा जो हमें खाने पीने को अनाज कैसा मिलेगा, हमें कैसे खाने पीने को गेहूँ, सरसों, ये चावल, दाल, हमें कैसे खाने को मिलेंगे, कैसे हम अपनी भूख मिटाएंगे। तो ये संसार हमारा, ये खेत जमीन हमारी, इस पे हमें मेहनत करना है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा, मेहनत पर जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। मतलब ये इस लाइन में शायर क्या कहना चाहता है कि जो किसान जो मेहनत करेगा, जो अपनी जो क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो सोना है, अगर जो ज़मीन में हम बोएंगे, ज़मीन से वही हमें निकलेगा। जो हम किसान इतनी मेहनत मुकशत करके हम अपनी फसलें उगाते हैं, हम खेतों पे इतना काम करते हैं, बीज बोते हैं और खाद डालते हैं, वक्त वक्त पे इसे पानी देते हैं, इसकी देखभाल करते हैं ताकि इसे कीड़े मकोड़े ना खा ले, तब हम इंसान के हाथों जाके एक अनाज मिलता है, अनाज हासिल होता है, हम तब अनाज हासिल मिलता है। अगर हम मेहनत मुकशत नहीं करेंगे तो हमें अनाज कैसे मिलेगा, तब ये जो हमारी जो ये धरती है, तभी तो हमारी धरती जो है हमारी ज़मीन से सोगना उगलेगा, बादल भी बरसेगा। मेहनत मतलब मेहनत जिस किसान को अपनी मेहनत पर भरोसा है वो मेहनत मुकशत जरूर करेगा। तो अगर सच्चे नेक लगन से ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसको अपनी मेहनत पर भरोसा होगा, तो अल्लाह ताला उसे अपनी मेहनत का फल ज़रूर देगा। अपनी कहाई अपने ही किस बल का समंदर वक्त का बहता धारा है, ये धरती, जीवन सागर, ये संसार हमारा है। अगर हम अपनी ज़मीन पर मेहनत करेंगे, दिलो जान से अपनी फसलें उगाएंगे, अनाज बोएंगे, तब जाके हमें अपनी मेहनत मशक्कत का फल मिलेगा। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी आवाज़ के लिए पर सारी दुनिया अपनी पारी अपनी अपनी ही आवाज़ की अपनी आवाज़ की लय पर सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती, अपनी आवाज़ को ले पर सारी दुनिया गाती है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी आवाज़ की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाज़ों में बिजली सी लहराती है, सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी आवाज़ों के लय पर सर दुनिया गाती है। आज हमारी आवाज़ों में बिजली सी लहराती है, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। अभी शायर आखिरी लाइन में क्या कहना चाहता कि हमारी जो ज़मीन है वो एक सोना है, हम अपनी ज़मीन में जो बोएंगे वो अगर ज़मीन में जो बोएंगे वही हमें निकले वही हमें ज़मीन में मिलेगा। अगर ईमानदारी से, मेहनत मशक्कत से, दिल लगन से, हिम्मत से अगर अपनी हम अपनी फसल पे काम करेंगे, अपने खेत पे काम करेंगे कि अपने खेत पे काम करेंगे हम बीज बोएंगे, फसलें उगाएंगे, अनाज बोएंगे, उसे वक्त वक्त पे पानी देंगे, खाद देंगे, उसे मतलब हर चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि हमारे अनाज पे बिल्कुल कीड़े मकोड़े ना लग पाए। अगर हम दिनों जान से मेहनत करेंगे तभी तो हमारा जो संसार है वो खुशगवार कहलाएगा। अगर हम मेहनत मुकशत नहीं करेंगे तो हमारा जो संसार है वो बेहाल हो जाएगा, मतलब उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो हमें अपने अपने खेती खेतों में बहुत मेहनत करनी है। मतलब एक किसान का जो काम रहता है वो मेहनत मुकशत करके अनाज उगाता है, फसलें बोता है, बीज बोता है, वक्त पे पानी देता है, खाद डालता है, तब जाके हमें कुछ महीनों बाद, 6-7 महीने बाद हमें खिलखिलाते हुए फसलें मिलती है, तब जाके हमें खाने को मिलता है।
हम जो भी अनाज बोते हैं वो अनाज हमें मिलता है। जैसे हमारी जो धरती है वो सोना उगलने लगती है, अगर मेहनत मशक्कत से हम कोई भी काम करेंगे, चाहे हम किसान का काम करें, चाहे हम डॉक्टर बनने का काम करें, चाहे इंजीनियर बनने का काम करें, या सिपाही बनने का काम करें, या कोई कारोबार करें, जिस जो काम हम मेहनत लगन से करेंगे, मेहनत मशक्कत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हिम्मत से करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें अपने हमारे मेहनत पे हम अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे, हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। तो हमें अपने जिस हर काम में हमें मेहनत मशक्कत ज़रूर करना चाहिए। तो शायर ने इस नज़म में कहा है कि जो इंसान, ये संसार हमारा है, अगर हम अपने खेतों पर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें हमारे अनाज कैसे मिलेगा। खुलासा, इस गीत में मेहनत करने वालों की उम्मीद खुशी को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मसलन किसानों के यकीन है कि बादल आएंगे, बरसेंगे, खेतों को हरा कर देंगे, नया मौसम नई खुशियां लेकर आएगा, इन सब के दुख दर्द मिट जाएंगे और उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिल जाएगा। खेतों में पैदा होने वाले अनाज सबके लिए सोना है, फसलें अच्छी हो तो तन्हा किसान ही नहीं सारी दुनिया के लोग खुश होंगे। मतलब एक किसान है, वो कभी कभी उदास होता है कि शायद मेरी खेतों में फसलें कभी नहीं होंगे। कभी कभी मौसम का ऐसा हाल ऐसा हो जाता है कि बेहाल कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, कि कभी कभी ऐसा होती है कि फसलें भी सड़ जाती है, तो किसान बेचारा बहुत उदास मायूस हो जाता है कि वो दिन रात मेहनत करता है, फसलें उगाता, अनाज बोता है, वक्त पर पानी देता, खाद डालता है, उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर मुझे खुदा से उम्मीद है कि ज़रूर बारिश बरसेगी, फिर उम्मीद की कुन्ने जागेगी, तब मुझे मेरी मेहनत मुशक्कत का फल ज़रूर मिलेगा, मुझे मैंने जो बोया है मुझे मेरी हरी भरी फसलें ज़रूर मुझे मिलेंगी। आइए इस नज़म के मायने देखते हैं। मायने इशारा, अमृत बादल जिंदगी देने वाले पानी के बादल, छप सूरज जलवा, जीवन सागर जिंदगी का समंदर, गुण सोना दौलत, किस बल ताकत आशा उम्मीद। तो शायर ने सही संसार हमारा है कि शायर ने मेहनत करने वालों की उम्मीद को ताज़ा किया है कि हम किसी भी काम में हैं, हम किसी भी शो में रहें, बचारे भाई बचले हम भले हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, बैंकर बने, कारोबार बने, अगर जिस काम हम मेहनत और मशक्कत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हिम्मत से करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत और मशक्कत का फल ज़रूर देगा। तो आइए इस नज़म को हम वापस से दोहराएंगे। ये संसार हमारा है, मसूद अख्तर जमाल ने लिखा है, शायर मसूद अख्तर जमाल ने लिखा है। अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छुप छप छप अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का सुख दुख सुख अपना कर दुनिया पर छाएंगे, जर्रा जर्रा दुनिया का आज गगन का तारा है, ये धरती वे जीवन सागर ये संसार रहे, दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संद इसल आएगा, धरती अब सूना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा, मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा, अपने ही किस बल का समंदर, वक्त का बहता धारा है, ये धरती जीवन सागर ये संसार हमारा है, सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपने ही आवाज़ को ले पर सारी दुनिया गाती, आज हमारी आवाज़ों में बल सी लहराती, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है, ये धरती ये जीवन सागर ये संसार हमारा है।